कपिल शर्मा शो को पावर्ड बाय चिंग्स चाइनीज एंड दैट सन। वो कैसे आप लोग पाजी, कैसे आप? टन टन हैविंग फन पाजी। न्यूज़पेपर उठा के देखो, है ही नहीं। अजीब अजीब खबरें आ रही, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। ये देखो, शराब के नशे में धुत बंदर ने महिला को चुंबन, हाँ? बंदर गिरफ्तार। बंदर का क्या कसूर पाजी? उसने मेकअप इतना खराब किया था, उसको लगा शायद मेरी बीवी है। हद है यार। अभी ये देखिए, प्यार में अंधा दामाद सास को ले भागा, हाँ? अपना काम खराब किया कि ससुर का बुढ़ापा खराब कर गया पाजी। मुंबई में पानी की किल्लत पाजी, आज पूरे देश में पानी की किल्लत चल रही है। और पानी की किल्लत कभी कभी ऐसी जगह हो जाती है आप सोच भी नहीं सकते। कभी कभी आदमी बाथरूम में बैठा है, ऑलमोस्ट डिलीवरी दे चुका है, तो और लोटा सूखा है, एकदम से फ्लश में पानी खत्म। अच्छा, ऐसे में वो लोग तो बच जाते हैं जो न्यूज़पेपर लेके जाते हैं, वो फिर ताजा ताजा खबरों से बासी काम निपटा रहे होते हैं। अच्छा, जो लोग नॉवल लेके जाते हैं, नॉवल लेके जाते हैं, और फिर जब बाहर आते हैं तो नॉवल के पहले चार चैप्टर खराब हुए होते हैं। लोग पूछे नॉवल छोटा कैसे हो गया, अरे वो तीन चार चैप्टर ऐसे बोरिंग थे, हो गया। अच्छा, लोग बड़े बड़े कुत्ते पाल लेते हैं कई बार, बड़े बड़े कुत्ते, इतने बड़े बड़े बाल। अच्छा, जब गर्मियां आती हैं उनको नहलाने के लिए पानी की शॉर्टेज होती है, फिर सारे बाल कुतर देते हैं। 20 किलो का कुत्ता 1.5 किलो का निकल आता है। फिर बिल्ली देख रही होती हैरान होकर, मियां हूं, अच्छा 1.5 किलो का, साले 3 साल से डरा रहा था तू। अच्छा, शॉर्टेज सिर्फ पानी की नहीं है, हर एक चीज की शॉर्टेज हो जाती है कभी कभी। मैंने देखा, हम अभी यूपी गए थे, लखनऊ गए थे, वहां पे एक जगह से निकल रहे थे, वहां पे बिजली नहीं आती भाजी। तो मैंने वो भाई साहब से पूछ लिया, मैंने कहा यार एक बार बताओ कि यूपी की जनसंख्या सब प्रदेशों में सबसे ज्यादा क्यों है? कहता अब कहाँ बताएं, लाइट आती नहीं, अंधेरे में करें तो क्या करें। मुंबई की लोकल ट्रेन में आप सब सफर किया ही होगा, पर आपने देखा ना कि मुंबई की लोकल ट्रेन में बिल्कुल भी डिस्टेंस नहीं रहता, प्यार और भाईचारा बड़ा रहता है वहां पे। आदमी ऐसे खड़ा और दूसरे आदमी के साथ ऐसे चिपका होता है। अच्छा, इतना चिपक के जाता ना आदमी कि सामने वाले की मूंछों के बाल आपकी नाक में घुस रहे होते हैं। अच्छा, आदमी भी सोच रहा होता है उस समय कि 3 बच्चे हैं मेरे, इतना पास तो मैं कभी बीवी के नहीं गया। कभी क्या बताए ना, बुजुर्ग आदमी ना बाल रंगते हैं ना, तो सडनली उनको याद आता है मूंछे तो डाई की नहीं, बाल काले हो गए, मूंछे सफेद, फिर यहां से खींचते हैं। हर चीज की शॉर्टेज होती है। अच्छा, पहले के लोगों के पास अभी भी ऐसा होता है, मतलब मैं हमारी मम्मी को पेंट लेके देती थी, कोई तो 10-10 साल वही चलाते थे। बच्चे को बड़ी पेंट ले देते हैं, जब नई होती तब फिट नहीं आती, वो लटक रही है। जब बच्चा बड़ा हो जाता है ना तब जाके फिट होती है, तब वैसे पुरानी हो जाती है। अच्छा, जब कभी हम लोग एक पेंट को 10-10 साल खींचते हैं ना, एक टाइम पे जाके पेंट जो होती है, आदमी थोड़ा मोटा हो जाता है, फिर पीछे से खुलवा लेते हैं। अच्छा, जहां से खुलवाते हैं ना वो पैच अलग से चमक रहा होता है, सारी पेंट का रंग फेड हो गया, वो अकेला ही ऐसे जा रहा है, तब पता चलता है कि यार ये पेंट खुलवा गया है। अच्छा आया गुरु। जब नई नई शादी होती है सर, उसमें प्यार में भी शॉर्टेज आ जाती है। नई नई शादी होती ना, जैसे ये मोहतरमा आपके पीछे बैठी हुई फूलों वाला घाघरा पहन के, यही तो मेरी बदकिस्मती है, मुझे नहीं दिखती, बस तुझे ही दिखती है। लेकिन स्टार्ट होने से पहले जो 1 घंटा आप बातें करते, वो तो नहीं ना हम करते। आदमी बीवी को लेके जाता है, बड़ा ध्यान रखता है, दरवाजा भी खुद खोलेगा, कमन डाल यूगो ना, ध्यान से पूरा एक एक चीज का ध्यान रखते, ध्यान से डालें, गड्ढा आ जाए तो गवर्नमेंट को कोसता है, या सरकार किसी काम की नहीं है, गड्ढे अभी तक भर रहे। वही आदमी 20 साल बाद बीवी के साथ जाता ना, बीवी गड्ढे में गिर गई, अंधी देख के नहीं चल सकती। प्यार में कमी आ जाती है, शॉर्टेज आ जाती है। सेल्फी लेने की बड़ी आदत है आजकल, तो बड़े बुजुर्गों को भी बड़ी आदत हो गई है, हालांकि उनको मुंह बनाने की जरूरत नहीं है, पाउट उनका नेचुरली हो जाता बुढ़ापे में, पर फिर भी सेल्फियां। अच्छा, मैंने एक चीज और नोटिस की पाजी, एक उम्र के बाद ना आदमी शर्म हया से उसका नाता खत्म हो जाता है। नीट हो जाता। हम लोग आम लोग बाथरूम में जाते हैं ना, तो हम लोग पूरा ठीक भी करके आते हैं, इधर पैंट पे छींटे वीटे तो नहीं कुछ जो भी है, फिर पूरा क्लियर करके फिर बाहर निकलते हैं। बुजुर्ग लोगों का कोई पता नहीं, काम खत्म किया नाड़ा बांधते बांधते बाहर आ जाओ भाई। उनको पता है वो तो निकल गई जिंदगी। अच्छा, मैंने कई बार ऐसे, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, अपने कानों से सुना है, कई बुजुर्ग ना भरी महफिल में बैठे बैठे ना छोड़ देते हैं काम, ऐसे आवाज आके।
वो ऐसे करते जैसे उनको पता नहीं चला क्या हुआ। और सुनाओ, कहते पापा जी आप तो खुले में सुना रहे हैं, हमें क्या पूछ रहे हैं, और सुनाओ। बड़ी अच्छा, कई लोग ऐसा होता ना कि कई बार जाने अनजाने में आपसे कभी हो जाता है, नेचर है, क्या करें, ऐसे कभी अचानक से चार छह लोग बैठे ना दोस्त, तो ऐसे आवाज आते, तो आदमी ना शर्मिंदगी से बचने के लिए करता है। ऐसा कर लेते आप? इट साउंड्स फनी। मैंने देखा है बड़े लोग जो होते हैं ना उनकी आदतें स्टाइल बन जाती हैं, जैसे सचिन तेंदुलकर ग्राउंड में जाते हैं तो ऐसे करते, पहले लोग कहते वाह यार क्या स्टाइल है सचिन, सचिन जैसा कोई नहीं, गरीब आदमी ऐसा करे ना लंगोट ठीक से बांधा कर। लड़के लड़कियों की आदतें देखो बिल्कुल अलग होती हैं, लड़कियों को जरा सा पिंपल निकला ना 3 दिन तक घर से निकलती, मैं नहीं जाऊंगी मम्मा, नो हाउ यू शो माय फेस टू माय फ्रेंड्स। लड़कों को कोई शर्म नहीं होती, मुंह पे मधुमक्खी का छत्ता पूरा हमला करके बैठा है यार दोस्त की शादी में पहुंच जाते हैं। कोई शर्म आया ही नहीं, भाई की शादी थोड़ी मिस करनी है, टेढ़ा सा मुंह खोल के रसगुल्ले ठूस रहे होते हैं अंदर, कोई शर्म आया नहीं। बड़े लोग क्या करते ना, सैंडविच खाया, सैंडविच से महंगा उनका लिफाफा होता है, सैंडविच खा के लिफाफे को ऐसे मरोड़ के रखेंगे जैसे इसमें कुछ आया नहीं आज तक, उसको डस्टबिन में डाल लेते हैं। मेरे जैसे गरीब आदमी ना पहले जलेबियां खा लेंगे, पहले खाकी लिफाफे में से, फिर जलेबियां खा के फिर उसको फूंक भर के, बड़ा फालतू का काम। जैसे मैंने देखा कोई पढ़े लिखे माँ बाप का बच्चा ना वो स्कूल से आ रहा है, एक तो वो पैदल आता नहीं हो, गाड़ी बड़ी में आता है, पर आके उसके दिमाग में यही चल रहा होता है थीटा प्लस इक्वल टू अलजेब्रा, ये उसके काउंटिंग चल रही होती है। हमारे जैसे बच्चे ना शुक्र करते हैं कि स्कूल में छुट्टी हुई, पता नहीं क्या दिमाग में अजीब ही चीजें चल रही होती हैं। चलते चलते बैग लेके आए फिर ऐसे करते थे। पता ही नहीं। अच्छा हम लोग बात कर रहे थे शॉर्टेज की, यहाँ पे कितने मेरे दोस्त हैं जिनकी लाइफ में कभी किसी ना किसी चीज की शॉर्टेज आई है, जानकि उनको लगता है कि अगर जैसे मैं पानी की बात कर रहा था, पानी की शॉर्टेज को किस तरीके से कम किया जा सकता है, तो सर आप बताइए, आपके पास माइक है? तू इधर बैठी पगली, मैं तेरे को इधर ढूंढ रहा था। अच्छा तो सर आपको क्या लगता है हमारे देश में अगर पानी की किल्लत चल रही है किस तरीके से इसको कम किया जा सकता है? ग्रीनरी बढ़ा के कहाँ उगाएं पेड़? सर हर एक के घर के बाहर, घर के बाहर पेड़ उगा दें, सड़क जाम कर दें। सर सड़क क्यों जाम होगी, सड़क तो बहुत बड़ी है। सड़क बड़ी है आपके घर के बाहर, बड़ी होगी ना, हमारे घर में तो सड़क है ही नहीं ना। सर घर के पीछे उगा दो, घर के पीछे उगा दो, उगाना घर के आगे पीछे ही है। और कहाँ उगा सकते हैं, गार्डन में उगा सकते हैं। तो भाई साहब का ये कहना है कि पेड़ लगा दो, करते क्या भाई साहब आप? इंटीरियर डिजाइनर हूँ। इंटीरियर डिजाइनर है, हमारा कैसा लगा इंटीरियर आपको? सर काफी बढ़िया है। बढ़िया ना, आप अभी छोड़ दो। शुक्रिया शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। पानी की किल्लत को लेके, पानी की समस्या को लेकर कोई अपने विचार पेश करना चाहते हो? आजकल बच्चे बड़े शाणे हैं, समझदार हैं, आप क्या कहना चाहोगे बेटा? कुछ नहीं, थैंक यू। मेरे को पहले बता दीजिए मैं नीचे क्यों बैठा। मैम आप किनके साथ आई हैं? फ्रेंड्स के साथ। आपके फ्रेंड्स हैं और जो उस तरफ बैठे हैं आपको ताड़ रहे हैं वो? अभी 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 मिले आपको? सर मैं अकेला आया हूँ। यही सोच के आयोगे ना, उधर कोई ना कोई तो मिल ही जाएगी। हाँ सर। हाँ ओके तो मैम आप काफी खूबसूरत लग रही हैं। थैंक यू। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आर यू सिंगल? नो आई एम मैरिड। इनसे माइक ले लीजिए। अच्छा सॉरी, अच्छा आप क्या कहना चाहेंगे कि देश में जो पानी की किल्लत है वो कैसे दूर की जा सकती है? वी आर ब्रशिंग द टीथ, तो तभी वो टाइम के लिए थोड़े जब भी ब्रश करे तभी नल नहीं चालू रखना, ऐसे ही फ्लो होते रहता है। नहीं, बड़ी अच्छी बात कही आपने, जैसे ब्रश करते हैं कोशिश करें कि ब्रश करते हुए पानी बचाएं, और हो सके तो ग्रेवी वाला ब्रश करें ना, ड्राई ब्रश करें, एक दिन छोड़ के करें, क्या फर्क पड़ता है, आप ही का मुंह है, आप ही की स्मेल है, आपने कौन सा किसी को। एनीवेज बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब। आप सबसे पहले आप अपना नाम बताइए सर। सर मेरा नाम विजय मिस्त्री है। आपकी शादी हो गई सर? हाँ सर हो गई है मेरी शादी। अभी इधर आके बैठे हुए ना। हाँ सर। कितने साल हो गए आपकी शादी को? शादी को 18 साल हो गए हैं। फिर तो आपका बनता है इधर बैठना। तो पानी के लिए आप कोई सुझाव देना चाहेंगे? हाँ सर, मैंने देखा है कि मतलब मर्द लोग थके मांदे जब घर पे आते हैं तो थकान दूर करने के लिए वो लोग विस्की पीते हैं, तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि अगर विस्की पिए तो नीट पिया करे, पानी डालकर ना पिया करे।
देखिए पानी को बचाना हर कोई चाहता है, सजेशंस जो हैं वो उलट पुलट हो सकती हैं, 18 साल शादी को हो चुके हैं, उनकी भावनाएं समझें, उनके शब्दों पे मन ना जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सर, मेरी वाइफ का नाम भी वो भावना ही है। आप भावना को समझा करें। थैंक यू सर, शुक्रिया सर।